हेलो दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह है केसर, यह है मध जिसको बोलते हैं शहद, और यह है भोजपत्र। दोस्तों, मैं इन सब का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से आप करेंगे और सक्सेस रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है, बेटा है, अगर आपकी बातें नहीं मानते हैं, या लड़की होकर भी वो किसी लड़के के माया जाल में फंस गए हो, तो उनके माइंड से ये सब निकालने के लिए आपको करना है। पहले तो दोस्तों ध्यान में रहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बहनें हो, चाहे माताएं हो। खास तौर पे जो माताएं होती है, जो लड़कियों की माँ होती है, उनको बहुत ये सब बुरा लगता है कि उनकी लड़की या उनका लड़का गलत रास्ता चुन लिया है। तो दोस्तों, ये सब मैं आप सबके सामने रखने का मकसद क्या है, मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप उससे किस तरीके से अपने वश में कर सकते हैं और अपनी बातें मनवा सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, केसर से आप स्याही बनाइए। ओनली फॉर केसर का स्याही बनाइए आप किसी डिब्बे में, जिस तरीके से मैं बताया था आपको कि इसमें जो है इसमें डाल दें, केसर को डाल के हल्का गंगा जल डालें, इसके अंदर ऐसा ऐसा करके उसे एक स्याही बना लें। दोस्तों, वो स्याही बनाने से आपका लाभ क्या है वो मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं। वो स्याही बनाने के बाद आप गुलाब का एक लकड़ी ले लें, किसी पूजा पाठ के दुकान से गुलाब की लकड़ी ले लें। अगर गुलाब की लकड़ी नहीं मिलती है तो आम की लकड़ी ले लें, और आम की लकड़ी भी अगर आपके समक्ष अगर नहीं दिखता है, नहीं मिलता है, तो आंख आंख जो होता है, जो बोलते हैं ना, जिसका दूध आंख में चले जाता है तो आंख खराब हो जाती है, उसकी लकड़ी ले लें। उससे एक पेन बनाकर यहां पर लिखें ओम, नीचे लिखें उस व्यक्ति का नाम, ठीक है, और उसके नीचे लिखें क्लीम क्लीम क्लीम, और नीचे लिखें फट स्वाहा, ठीक है। एक बार फिर बोलूंगा, यहां पे लिखें ह्रीम, यहां पे लिखें उस व्यक्ति का नाम उसके नीचे, और उसके नीचे लिखें क्लीम क्लीम फट स्वाहा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इसे आपको ऐसा फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस शहद के शीशी को खोलिए, इसके अंदर डुबा दीजिए, इसके अंदर डुबाइए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको बंद करने के बाद दोस्तों, इसे किसी ऐसे जगह पर लेके जाइए, और उस जगह पे जाने के बाद 1 फीट, मात्र 1 फीट खुदाई करिए, उसके अंदर इस शीशी को डाल दीजिए, और वहां पे एक उसी जगह पे एक कपूर जला दीजिए, ठीक है। वहां एक मंत्र, जिसे मैंने वशीकरण के हिसाब से मैंने एक मंत्र बताया था, उसी मंत्र को आपको दोहराना है। ह्रीम क्लीम क्लीम क्लीम, अमुक शब्द आएगा, जो अमुक शब्द पे उस लड़की का या लड़के का नाम ले लें, फट स्वाहा। 11 बार उस मंत्र को जपना है, ह्रीम क्लीम क्लीम उस व्यक्ति का नाम फट स्वाहा, 11 बार जपना है। उसी जगह पर इस कपूर को रख देना है और इसे जला देना है। दोस्तों, आप ये करने के बाद मात्र मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपका लड़का हो या लड़की आपके पूरी बस में हो जाएगा, और वो आपकी बातें मानना चालू कर देगा, और जिस तरीके से आप बताएंगे उसे और बोलेंगे वही सब सारी चीजें करेगा। ये सब टोटका आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं और बता रहा हूं ताकि ये सब करने में आप सक्षम रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।